बदलापुर में जो आपके थाने में ही के बगल में है, वहां दो दिन पहले एक घटना होती है। एक आरोपी है, यौन शोषण का मामला है, रेप के उनके उन पर आरोप है। उनको जब पुलिस जेल में से लेकर जा रही है, उनकी गोली से हत्या होती है, पुलिस उन पर फायर करती है। पुलिस का कहना है उन्होंने पहली कोशिश की हम पर फायर करने। अब विपक्ष कह रही है ये पूरा ड्रामा किया गया है क्योंकि पब्लिक का इतना आक्रोश था, उसको कम करने के लिए पुलिस ने एनकाउंटर किया है। क्या आप इस तरह की एनकाउंटर या ठोकशाही की जो राजनीति है, मैं बाला साहेब ठाकरे का शब्द यूज कर रहा हूं, क्या आप इसका समर्थन करते हैं? क्या ये सही है? आपको एक बात मैं बताऊंगा, जो बच्ची है उसकी उम्र कितनी? 4 साल। और जो गुनाहगार है आरोपी, इसने उसके साथ अत्याचार किया, बलात्कार किया, और उसकी जो बीवी है, उसको 4 बीवी है, उसमें से एक बीवी ने आकर स्टेटमेंट दिया है। वो स्टेटमेंट आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। एफआईआर किया है उन्होंने, एफआईआर किया कि ये इंसान क्या करता था, ये इंसान नहीं ये हैवान है, ये उसका स्टेटमेंट है। आज मैं बताऊंगा कि जो बच्ची है उसके परिवार के ऊपर क्या बीती है। वो 4 साल की छोटी बच्ची, उसके ऊपर क्या बीती है? जो जैसी जिनकी जिनकी बेटियां है, वो माता और पिता, उनके ऊपर क्या बीत रही है, इसका जरा अंदाज लगाओ। इनको जरा आप पूछिए कि ये क्या हुआ है। तो आप एनकाउंटर को जस्टिफाई कर रहे हैं? सुनिए मेरी बात, सुनिए, एक इसकी हैवानत देखो कि वो अपनी बेटियों के उम्र के बेटी लड़कियों के साथ ऐसा अत्याचार कर रहा था, और खुद के बीवियों के साथ अत्याचार कर रहा था। उन्होंने बीवी का ही स्टेटमेंट आप पुलिस से मंगाओ, नहीं तो मैं भेजूंगा। ये इंसान नहीं, हैवान है। और ऐसे परिस्थिति में अगर उसको कोर्ट में या इंक्वायरी को ला रहे थे, अगर उसने पुलिस के ऊपर गोली चलाई, पुलिस के ऊपर अगर गोली चलाता है, एक पुलिस जख्मी घायल है, वो अस्पताल में एडमिट है, तो पुलिस क्या करेगी? उसको छोड़ देगी? सभी इंक्वायरी बाकी सुनो, है चीज़ की। नहीं, आप कह रहे कि ये सही हुआ है। एक मिनट आप सुनो, पुलिस अगर वो भाग जाता तो विपक्ष कहते पुलिस ने उसको भगा दिया। पुलिस के पास बंदूक है क्या? शोपीस है, काय के लिए रखी है? ऐसे भी बोलते थे। और यही लोग बदलापुर स्टेशन में 9 घंटे रेल को रोका था, बोले इसको लाओ यहाँ, इसको फांसी दो, यहाँ पर फांसी का फंदा हम लाया है, हम फांसी देते हैं। यही बोलने वाले विपक्ष अब बोलते हैं, इसके बाजू में बोलते हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ये मैसेज समाज में अच्छा नहीं जाता है। और इसलिए मैं ये कहूंगा कि विपक्ष ये दोगली नीति अपना रहा है, ये उसकी क्या बोलते हैं, कैसे कहते हैं, यहाँ भी चलता है वहां भी चलता है, वो कौन है? अलग अलग विपक्ष दोनों तरफ से बात कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं, तुम लेकिन आप एनकाउंटर तो जस्टिफाई नहीं कर रहे ना। आप देखिए, ये सेल्फ डिफेंस है। ये पुलिस के ऊपर गोली चलाई, पुलिस घायल है, सेल्फ डिफेंस के में क्या पुलिस ने उसको छोड़ना चाहिए? छोड़ेंगे तो विपक्ष बोलेंगे देखो उसको छोड़ दिया, मुंबई में तुम्हारी बंदूक क्या काम की है? मुंबई में सर होल्डिंग क्या शो के लिए रखे है? मुंबई और मैं बोलता हूँ मुंबई में सर, मुंबई में एक ही बताऊंगा, हमारे माता बहनों को सुरक्षित रखने के लिए जो पुलिस ने काम किया है, एक्चुअली पुलिस का साथ देना चाहिए था इसमें, पुलिस का साथ देना चाहिए। इंक्वायरी बिंक्वायरी तो होते रहेगी, लेकिन इंक्वायरी होगी, जो भी है दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन क्या एक तरफ आप बोलते फांसी दो, दूसरी तरफ बोलते हो विरोध में? ये ऐसा साइल हर वक्त विपक्ष ने हर इश्यू को ऐसे ही किया है। ये महाराष्ट्र की जनता समझदार है, और बिल्कुल मुझे उनको ऊपर जवाब देने की जरूरत नहीं, ये हमारी जनता ही उनको जवाब दे। सर सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि इसी केस में ये पॉक्सो के अंडर केस चल रहा है और काफी सीरियस केस है, और इसमें आपको पता है कि और पुलिस क्या बात सर, पुलिस सर, का बात कर रहा हूं मैं शिंदे जी,
पूरा सवाल सुन लीजिएगा, उसपे सवाल यह है कि यह पॉक्सो का केस है और यहां पर उस आरोपी की मदद करने वाले लोग फरार आज बताए जा रहे हैं, जिसमें उस स्कूल के सेक्रेटरी, उस स्कूल के बोर्ड के उसके जो चेयरमैन है उनको फरार बताया गया है, तीन लोग फरार बताए गए। लोग ये कहते हैं कि ये तीन आरोपी कहां पर है, क्या पुलिस अभी तक ये तीन आरोपी ढूंढ नहीं पा रही है, और उसके पहले ही अक्षय शिंदे जो इसमें मुख्य आरोपी है उसका एनकाउंटर हो जाता है। देखिए, जो तीन भाग गए वो कहां जाएंगे, भाग के जाएंगे किधर, पुलिस के हाथ लंबे होते, कानून के हाथ लंबे होते, उसको जरूर पकड़ेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, उनको भी कड़क शासन होगा ही, ये सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है। और मैं इतना कहूंगा, जब पुलिस यहां पर एक उद्योगपति के घर के नीचे बम रखती है, पुलिस खुलेआम दिन दहाड़े हफ्ता वसूल करती है, गृह मंत्री जेल में जाता है, ये अच्छा है क्या, वही अच्छा है?